ओ भाई ये क्या हो रखा है मेरे से यार, एक और गलती हो गई। जस्ट अभी हम पहुंचे थे और मैं अभी चाय और मैंने मैगी मंगवाई है अपने होटल के सामने जो शॉप थी, मैंने आपको डे 1 पे भी दिखाया था। फिर रेस्ट कर रहा है, पानी वानी पिया। अब इसके बाद बैग मैंने जो है अपनी बाइक पे लोड कर दिया है, जैसे आप देख लो बैग जो है बाइक पे लोड हो चुके हैं। 20-25 मिनट बैठते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं धर्मशाला और वहाँ पे ढूंढते हैं अपने लिए होटल। सबसे पहले थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर निकलते हैं साइट सीइंग करने के लिए। तो गाइस मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरे को एक ये चर्च दिख गई है, मैंने कहा वापस तो मुझे आना नहीं है, जबकि ये एक पॉइंट है अगर आप धर्मशाला आते हो तो घूमने का, मतलब एक साइट सीइंग का पॉइंट है ये, देख सकते हो। और काफ़ी पुरानी होगी, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसका, बाकी देखते हैं। तो गाइस सामने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, नो फोटोग्राफी प्लीज़, नो वीडियोग्राफी। अंदर तो आपको दिखा नहीं सकता कि चर्च, बाकी आपको बता देंगे। तो गाइस एक्चुअली मैं स्टेडियम पहुंच गया और यहाँ पे ना जस्ट पीछे यार एक गाय आ गई थी, तो भैया का एक्सीडेंट हो गया बाइक से। बाकी ठीक है, देख लिया मैंने, हल्की फुल्की चोट लगी है, अब गाय आगे क्या कर सकते हैं। तो टिकट है और भैया काट के दी है, तो 30 रुपये इसकी एंट्री है। गाइस जो मेन धर्मशाला का स्टेडियम है ना, क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे IPL के मैच होते हैं, तो उसमें आए हम देखने के लिए। मेरे को पर्सनली ये देखना था भाई, ये है पूरा अंदर स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है। अरे बच्चे नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका वो भी एकेडमी भी चलती होगी यहाँ पे। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि कैमरा अलाउड है, ब्लॉगिंग करो आप आराम से, कोई टेंशन नहीं है, और चार्जेस भी नहीं उसके एक्स्ट्रा। टाइमिंग जो है 9 to 5 है और 5 बज चुके हैं, 2 मिनट और लेट आते तो बंद कर देते टिकट। स्टेडियम की ओ भाई ये क्या हो रखा है, ओ भाई ये तो पॉपट हो गया हमारा। स्टेडियम कहाँ है भाई? भगवान, ये तो भाई ब्लफ कर दिया उन्होंने, मतलब बताया भी नहीं। पूरा स्टेडियम खुदा हुआ, मतलब स्टेडियम देखने के लिए, और स्टेडियम उन्होंने पूरा खोद दिया, काम चल रहा है, पिच बची हुई है बस, और टिकट भी ले रहे हैं। सही है भाई हिमाचल गवर्नमेंट। तो गाइज मैंने 30 रुपये की टिकट ली है यहाँ पे JCB की खुदाई देखने के लिए, तो देखो मस्त, आप भी देखो मैं भी देख रहा हूँ, ब्लफ कर दिया भाई तगड़ा वाला। कंस्ट्रक्शन देखने के पैसे थोड़ी दिए यार इनको। चलो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, हो भाई काम चलना हो, कुछ बन रहा हो, कुछ अच्छा करना होगा तो आप बाहर एक नोटिस लगा दो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मत जाओ देखने के लिए, या फ्री कर दो टिकट। आप टिकट भी ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन भी दिखा रहे हो, नोटिस भी नहीं लगा रहे हो। यहाँ पे सारे VIP बैठते हैं, यहाँ पे स्टेडियम चलता है, बोर्ड एक स्टैंड इधर है और एक स्टैंड उधर है, ये भी, और ये जो है ये भी VIP। भाई मैं तो थोड़ा सा इमेजिन करके आया था ना, मैं दिल्ली फरोशा कोटला में गया था मैच देखने के लिए, तो भाई वो स्टेडियम जाके ना वाइब अलग आती है, यहाँ तो वाइब नहीं आ रही भाई यार। तो क्या इधर मैंने पिच छोड़ रखी है क्योंकि पिच पे आई थिंक काम नहीं कर सकता है, जो भी होगा मेन पिच चाहिए जहाँ से बैटिंग चलती है। वो हमने नहीं देखा तो हमारी गलती है, थोड़ा हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में, वो हमने नहीं देखा हमारी गलती। नोटिस इन्होंने पूरा डाल रखा है, मैं दिखा देता हूँ, तो और हिंदी में भी लिखा हुआ। गाइस मैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ जो कि है टी गार्डन। तो भाई देखो यहाँ से रास्ता है, और ये मेरे आसपास ये जितनी भी आप खेती देख रहे हो, ये पूरी की पूरी चाय की खेती है। ये बेसिकली देखो गाइस चाय की पत्ती है, वैसे चाय कैसे निकलती है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, वो मैं पूछूंगा किसी से अगर कोई मिलेगा तो। भाई लिटरली चाय पत्ती की स्मेल आ रही है अंदर यार, फोटो वोटोज के लिए काफी, कोई टिकट वगैरह कुछ भी नहीं है, अच्छे खासे बहुत बड़े एरिया में फार्मिंग हो रही है चाय। तो ये पूरी फार्मिंग हो रही है, फिर उधर नीचे उधर उस तरफ पूरा फार्मिंग हो रही है, फिर इसके उस तरफ पूरी फार्मिंग हो रही है, इसके उस तरफ फार्मिंग हो रही है, और ये पूरा वो वहाँ तक फार्मिंग ही फार्मिंग है। और गाइस उधर आशिकी 3 चल रही है। भाई आप ये सोचो कि ऐसे लोग भी है जो इस गार्डन में आके दारू पीते हो, भाई पीते होगे पकड़े होगे तभी इन्होंने बोर्ड लगाया है। बोले चाय के खेत में दारू कोई कैसे पी सकता है यार। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के। जैसे बाहर निकलोगे, मतलब बाहर के जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करोगे इस तरफ से, तो आपको ये शॉप दिख जाएगी जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश आपको टी बैग्स मिल जाएंगे, साथ में आपको चाय पत्ती वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगी। भैया से पूछता है क्या प्राइजेस है, हम भी लेके जाते हैं कुछ। मेरे कुछ फोटोज़ लगा रखे हैं, कौन कौन आया है यहाँ पे। वाओ भैया हमारे, ये सर्किट भैया सर्किट, ये तो यहीं की है। ये मेरा होटल है जिसमें मैं अभी स्टे कर रहा हूँ धर्मशाला में, और उसके नीचे उतरते के साथ यहाँ पे ना एक मोमोज वाला है। अभी आप मान लो कि इसमें जस्ट दुकान खोली है और भीड़ इतनी लगी है, मुझे लगा कि मिल रहा होगा पर वो बना रहा है, और भीड़ देखो भाई, मतलब अच्छे बनाता होगा या तो, या फिर ये इकलौता है यहाँ पे। तो हम भी रुकी गए, हमने कहा हम भी खाते हैं। तो भाई मोमोज वाले पे हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़, तो मैं उससे थोड़ा आगे आ गया, तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रीट फूड दिख गया, कुलचे कुछ अलग होते हैं, घर बनवाया है, वही काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। मोमोज वाले पे चले गए थोड़ी देर बाद, जब थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी। भाई लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, गाड़ी आ रही है सामने से, आप देखो दिखेगी ही नहीं, लाइटें चमक रही है। और अभी ठीक था, अभी पता नहीं क्या हो गया, अभी बादल है, फॉग है, मेरे को नहीं पता क्या है ये, पर मेरे को बादल ही लगते है भाई इतने ऊपर में। तो गाइस ये देखो मिर्ची भैया ने स्टिक्स में लगा के दिए, टूथपिक जो होता है सारी, तो दिस इज समथिंग यूनिक यार, अच्छा है क्रिएटिविटी। बाकी गाइस खाना जो है भाई बहुत अच्छा खाना है, मैं रेस्टोरेंट का नाम अभी मेंशन कर दूंगा नीचे अगर आप आ रहे हो, और बहुत बहुत रिजनेबल प्राइजेस है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको रूम टूर देने वाला हूँ, तो मेरा रूम है 204, अभी मैं लॉक नहीं किया, कार्ड टच वाला इसमें लॉकिंग सिस्टम है। तो अंदर आते ही गाइस लेफ्ट साइड में अपना वॉशरूम है, ये बाथिंग एरिया है, वो बॉम्बिंग एरिया है, और ये बहुत अच्छा सा इन्होंने बहुत बड़ा सा मिरर दे रखा है, इस पर आपका भाई स्मार्ट दिख रहा है। आज का भाई सेम ही कपड़े पहन रखे हैं, कल वाले एक्सक्यूज हो गए, कपड़े खत्म हो चुके हैं। यहाँ से निकलते हैं तो एसी का कंट्रोल दे रखा है, और ऊपर जो है सेंटर एसी इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे जो है भाई मैंने चाय बनाई थी, चाय मैंने ये वाली बनाई थी गर्म करके और टी बैग डाल के, पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। अलावा यहाँ पे एक जो है ड्रेसिंग टेबल दे रखा है इन्होंने, फिर एक बहुत बड़ा सा मिरर दे रखा है इसके साथ में, एंड अगेन यहाँ पे एक कबर्ड दे रखा है स्टोरेज के लिए, तो यहाँ अपनी जैकेट टंग रही है। तो गाइस एक्सक्यूज चाहूंगा रूम के लिए, मेसी है क्योंकि यार मैं कल आया, थक गया, घूमने गया, फिर आया, सो ही गया, तो अभी मेसी हो रहा है बहुत ज्यादा, पर मैंने कहा आप लोगों को रूम टूर देना बहुत जरूरी है। सर अपना बेड किंग साइज बेड, उसके सामने जस्ट यहाँ पे नीचे एक फ्रिज दे रखा है इन्होंने, कोई अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडा वंडा करने के लिए। फिर उसके बाद ये टीवी लगा रखा है जो कि मेरे किसी काम का होता नहीं है। यहाँ पे एक अपना एडिटिंग टेबल या इसको वर्क स्टेशन कह सकते हो, जो कि मेरा बहुत काम का है, पर कल मेरा काम नहीं आया क्योंकि मैंने एडिटिंग नहीं करी, मैं बहुत थका हुआ। अलावा गाइस उन्होंने यहाँ पे 1 2 3 4 चेयर डाल रखी है, और एक टी कॉफी टेबल डाल रखा है, इधर इधर भी साइड में टेबल था, और बेस्ट पार्ट बालकनी, बालकनी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने मतलब टेबल दे रखे कि टी कॉफ़ी पी ले, और भाई फिर व्यू तो मस्त व्यू हो रखा है पूरा, वहाँ से पूरा सिटी वगैरह दिखता है, मज़ेदार व्यू है। प्राइसिंग की बात करूँ तो जब मैं आया था मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने मुझको 2500 बताया था इस रूम का, तो मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर मेरा थोड़ा सा बजट लो है, मेरा बहुत खर्चा हो गया, ये है वो फ्लैट मंगाना, तो थोड़ा कम करते 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 ये रूम उन्होंने 2000 रुपये पर नाइट के हिसाब से उन्होंने मुझको रूम दे दिया। मेरा एक ही दिन का स्टे था, और एक्चुअली मैं आया भी 4 बजे था, तो बस खाली फिर मैं चला ही गया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि 800-900 रुपये से होटल स्टार्ट थे, लेकिन 800-900 रुपये वाला ना होटल बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, इतने गंदे होटल में रहा भी नहीं जाता, तो फिर यही मेरे को एक थोड़ा सा अच्छा लगा, मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, लास्ट डे थोड़ा सा खर्चा हो जाए कोई दिक्कत। तो गाइस अगर अभी का अपडेट दे दूं तो 9:20 हो, और अभी मैं जा रहा हूँ दलाई लामा टेम्पल, यहीं से है मेरे होटल से 4 किलोमीटर है। लिस्ट में था, कल टाइम नहीं मिला, और अभी मेरे को दिल्ली भी निकलना है, तो 11 बजे तक मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा यहाँ से। फटाफट जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और गाइस प्राइसेस वगैरह, होटल का लिंक वगैरह सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि आपको लाइव अपडेट्स। अभी हम आए थे दलाई लामा टेम्पल में, कुछ भी अपडेट नहीं था कि क्या है, बस हम तो सिर्फ ऐसा घूमने के लिए आए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था निकलने वाले, तो यहाँ पे दलाई लामा जी आए हुए थे, फूल वगैरह सारा कुछ लगा लिए थे, इसलिए मैं कोई भी क्लिप कैप्चर नहीं कर पाया। मैंने उनको लाइव देखा पहली बार लाइफ में, बहुत सारा लोग था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ एक बार। अब वो चले गए हैं, अपने होटल की तरफ निकल रहा हूँ, यहाँ में मास्क मैंडेटरी था, मेरे पे था नहीं, तो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, उसने अपनी पॉकेट से निकाल के दे दिया। आपको एक भीड़ दिखाता हूँ, सारी भीड़ थी पीछे, पूरे देखो आ रहे हैं सारे के। तो चलिए गाइस फाइनली इस ब्यूटीफुल सिटी को बाय बाय करते हुए निकलते हैं अपनी घर की तरफ। 3 दिन का मेरा स्टे था, 4था दिन है, रात तक अभी टाइम हो रहा है 12, पूरे 12 बजे करीब हम निकल रहे हैं। होटल था द रॉयल कैसल बाय जीनिया ऐसे कुछ नाम ही है, चेक कर लेना आप। चलिए जय माता दी, हर हर महादेव। इस कोशिश यही रही कि अपन रात 11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि 12-12:30 बज जाएंगे, देखते हैं कि जैसा मेरे को लग रहा है वैसा ही होगा, जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह अभी कुछ नहीं किया, चिप्स वगैरह ही खाए थे और कुछ नहीं किया। थोड़ा पहाड़ वहाड़ में कह रहा था थोड़ा नीचे उतर जाते हैं, फिर उसके बाद आराम से प्रॉपर एक बार लंच ही कर लूँ। अब मैं 2-2:30 बजे करीब जब रोकूंगा तब एक बार मैं प्रॉपर लंच ही कर लूँगा, तो तभी फिर मैं कैमरा वैमरा ऑन करता हूँ, अगर कुछ दिखाने का हुआ तो बीच में ऑन कर देंगे। गाइस आप ये देख सकते हो पहाड़ खोद के टनल थी है, बेसिकली एक पहाड़ को खोद कर इन्होंने टनल बना रखी है। पहले कोई लंबा रास्ता होगा, मेरे को शॉर्ट करते गए थोड़ा कैमरा लेट खुला, तो मैंने कहा फिर भी चलो आपको दिखा देते हैं। मेरे से यार एक और गलती हो गई, अब आप देख रहे हो मेरा जीपीएस माउंट नहीं लगा हुआ। फ़ोन कवर पे मैं माउंट करता हूँ ना, फ़ोन कवर तो है मेरे पास, लेकिन उसके पीछे एक चूड़ी होती है, एक रिंग सी होती है जो इस पर लगती है, और रिंग ही नहीं पता कहाँ गई। इतना ढूंढ लिया भैया, पता नहीं है मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ गया हूँ, वो कहीं गिर गई है। आपकी गिरनी नहीं चाहिए, उसके पीछे वो टाइट होती है, वो पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गई, कुछ मेरे को पता नहीं है। होप करता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे बैग में किसी कपड़े के अंदर ही हो, ताकि भाई अब वो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और यही इसी वजह से ना मेरे को ये वाला फ़ोन होल्डर बहुत बेकार लगा था। मैंने पिछली वीडियोस में भी शेयर किया था कि भाई इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब मैं इसको उतारता क्यों ना, क्योंकि इसको खोल के ले जाना बड़ा आसान है यार, वो महंगा इतना है। अब भाई किसी को पता हो ना, वो खोलेगा ले जाएगा, इसलिए मैं हर जगह इसको उतार देता था। अब वही चीज़ हुई ना, वो खोलने के चक्कर में चोरी हो गई, मिसप्लेस। दिल्ली में देखता हूँ कहाँ मिलेगी वो रिंग वगैरह जो भी है। इसी वजह से बार बार फ़ोन में मैप देखना पड़ रहा है और फिर बार बार चेक करना पड़ रहा है। ट्रैवलिंग करो, नुकसान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। छोटे मोटे नुकसानों पर चीज़ें टल जाती है। अब हम एंटर कर रहे हैं पंजाब में। तो यहीं तक था हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बॉर्डर है ये। अभी हम हिमाचल में थे, अब हम पंजाब में। और वैसे टाइम हो रहा है 3:15, तो 3 घंटे 15 मिनट में मैंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया। 12 बजे मैं निकला था, अभी तक मैं कहीं नहीं रुका हूँ एक बार भी। अब मैं रुकूंगा लंच के लिए, भूख लग रही है बहुत जोर की। मैं ऐसे कोई रुका हूँ लोकल सेकंड क्लास, नहीं कहाँ की कहाँ तक है। वो भाई खुल रहे ऑटोमेटिक होते हो गए सारे। मैन बारिश स्टार्ट हो गई यार, यही ना बस इसी का थोड़ा सा दुख था कि बारिश ना हो। बस कोई अपना डैम वाला रास्ता आ गया जिससे आए थे, उसी डैम से अब हम वापस जा रहे हैं। पर यार बारिश हो गई, भाई साहब अम्बाला अब पहुंचा हूं मैं। मेरे लेफ्ट में जग्गी सिटी सेंटर था जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है। अराउंड भाई 9 बज गया 9 बजने में 4 मिनट रह रहे हैं। मैं कब का पहुंच जाता अम्बाला, लेकिन गलती मेरे से इतनी बड़ी हो गई। आज का दिन मेरे को थोड़ा सा यार ख़राब लगा, मतलब पता नहीं भाई क्या हो गया। भाई आज के दिन में बहुत बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तो मैं घर 1 बजे से पहले तो पहुँचने से रहा, क्योंकि अम्बाला से दिल्ली आराम से 4 घंटे, मुझे मेरे घर तक लगते ही लगता है 4 घंटे। इनफैक्ट 9 बजे का ही निकला हुआ। पहले तो मैं वहाँ गया था, वो बुद्धा टेम्पल था, जैसा आपने देखा ही होगा ब्लॉग में। तो उस हिसाब से तो मैं 9 बजे का निकला हुआ हूँ और रात में 1 बजे पहुँचूँगा। तो ये हालत तो हो गई ख़राब। खाने में भाई अभी मैंने व्लॉग नहीं किया था, लेकिन बीच में एक जगह थी अम्बाला से 100 किलोमीटर पीछे, अल्पाइन करके कोई ढाबा पड़ता है, वहाँ रुका था। वहाँ मैंने पनीर पराठे और चाय पी है। तो भाई वीडियो में बने रहना, स्टोरी सुन के जाना। भाई बहुत इन्फॉर्मेशन भी दूंगा 2-4 चीज़ों की, क्योंकि देखो मैं भी एक्सपीरियंस राइडर नहीं हूँ, मैं भी अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ। तो अम्बाला पहुँचाऊँ ना, अगर गलती नहीं होती तो करनाल क्रॉस कर चुका होता। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10:45। मैं यहाँ 10:20 पहुँच गया था नीलकंठ स्टार पर, रुका हुआ था भाई, भूख लग रही थी। तो भाई एक इडली ली है और एक सब्वे लिया, जूस लिया मैंने, खाते हैं उसके बाद सीधा दिल्ली निकलते हैं। जस्ट मैं अभी एडिटिंग कर रहा था तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने उसमें बोला था कि आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करनी है और क्या क्या वो मेरे साथ आप लोगों को बताना। तो आए हुए 10 दिन हो गए। तो देखो एक्चुअली में गाइस हुआ क्या, पहली चीज तो वो देखा आपने ब्लॉग में कि GPS माउंट जो है उसकी रिंग निकल गई, तो मैं फोन होल्ड नहीं कर पाया उस पर, तो मैप मैं चेक नहीं कर पाया। तो मैप ना चेक करने की वजह से हुआ ऐसा, रास्ता कटता है चंडीगढ़ के पास आके, वहां से होना होता राइट। आप राइट हो गए तो चंडीगढ़ के बाहर से होते हुए अम्बाला निकल जाओगे। मैप था नहीं, तो मेरे को किसी ने बोला सीधा, मैं सीधा चला गया, तो सीधा आ गया भाई मोहाली चंडीगढ़ सिटी। अब भाई चंडीगढ़ के अंदर से घूमते घूमते टाइम हो रहा था 6:30-7 बजे। अब उस टाइम जाम लग रहा होता है वहाँ पे। मेरे को अनफॉर्चुनेटली पूरा चंडीगढ़ सिटी अंदर से घूम के जाना पड़ा मेन हाईवे पे, और मेरा कम से कम भी 1 घंटा खराब हुआ है जाम, और उसके चक्कर में 1 से भी ज्यादा खराब हो गया। तो ये पहली गलती होगी। दूसरा भाई मेरे को पूरे रास्ते मिली बारिश भी, 3-4 घंटे नॉन स्टॉप बारिश मिली। अब मैं उसमें 1-1.5 घंटा मैंने रोका, मैं धीरे धीरे चलाता रहा, रोकता रहा, चलाता रहा, रोकता रहा। मतलब ना उस दिन बारिश की वजह से ना सीन बड़ा खराब हो गया। फिर ये रास्ता भटक गया, फिर रिंग भी नहीं निकल गई। थोड़ा सा दिन खराब था यार, मतलब कि चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसी चीजें, तो चलो राइड पे चलती रहती है। इस वजह से मैं रात में घर पहुंचा, अपने घर रात के 2 बजे। तो चलो गाइस एनीवेज खींचते व्लॉग 15-16 मिनट का तो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और बाकी गाइस वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अक्टूबर स्टार्ट हो गया, 1 हफ्ते में मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आप पहले जानना चाहते हो। वीडियोस बहुत बाद में आएगी, लेकिन आप अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, सारी चीजें आपको मिलेगी। बहुत ही एक्साइटेड कॉन्टेंट आने वाला है चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे ब्लॉग पे, जब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, थैंक यू, बाय बाय।